लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीमुंबई के तुर्भे प्रभाग 57 में हो रहे जल जमाव को लेकर स्थानीय नगर सेविका शुभांगी ताई पाटिल ने मनपा के इंतजामों पर बड़ा सवाल उठाया है। मनपा आयुक्त के समक्ष जल निकासी की समस्याओं का हवाला देते हुए उन्होंने तत्काल इंतजाम करने की मांग की। बीजेपी विधायक गणेश नाई की उपस्थिति में शुभांगी पाटिल ने कहा कि हर साल यह इलाका डूब रहा है, लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद मनपा ने कोई उपाय नहीं किया है जो सवाल खड़े करता है। देखिए रिपोर्ट। नवीमुंबई के तुर्भे प्रभाग 57 का यही वो इलाका है जो हर मानसून में बाढ़ के कारण डूबता रहा है। हालत यह है कि सामान्य बारिश में भी यहाँ सेक्टर 26 और सेक्टर 18 का इलाका पूरी तरह से डूब जाता है। घरों और दुकानों में पानी भर जाता है, जिससे लाखों का नुकसान होता है। बीते हफ्ते के मूसलाधार बारिश में भी यही मुसीबत देखने को मिली। सानी नगर सेविका शुभांगी ताई पाटिल ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए मनपा से जरूरी इंतजाम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यहाँ सीवरेज लाइन का चेकअप होना, गटर नालों की सफाई नहीं होना और पंप हाउस का दूर होना इसके बड़े कारण हैं, जिसकी वजह से जल निकासी नहीं हो पाती है। विधायक गणेश नाईक के साथ आयुक्त से मिलने पहुंची शुभांगी ताई पाटिल ने कहा कि वार्ड 57 में कई वर्षों से लगातार मांग के बाद भी समुचित जल निकासी का इंतजाम नहीं हो रहा है, जो नागरिकों के लिए मुसीबत का बड़ा कारण है। जो वार्ड क्रमांक 57 है तुर्भा का, वहाँ में बारिश के टाइम बहुत पानी, जैसे पूर्व के जैसे पूर्वजन्य परिस्थिति हो जाती है और पानी बहुत आता है। जो सेक्टर 26 का एरिया मैं ले लूँगी कि सेक्टर 26 का एरिया 3 साल पहले महापौर साहब ने और अपने महानगर पालिका के अधिकारियों ने खुद दौरा किया था। वहाँ की परिस्थिति उन्होंने देखी गई थी कि सेवरेज का सबसे काफ़ी प्रॉब्लम है, उसका सेवरेज भर जाता है बारिश में भी और आम ऐसे भी उसका सेवरेज पूरा सेवरेज लाइन भर जाती है, क्योंकि कोपरी गाँव का पानी भी उसमें आ जाता है और यहाँ का भी पानी रहता है और पंप हाउस जो है उनका वो सेक्टर 28 में है, तो काफ़ी दूर होने के वजह से भी दिक्कत आ रही है। दूसरा पार्ट है सेक्टर 18 का, वहाँ पे जो मेन रास्ता है क्लॉक टावर के सामने वाला, वो पूरा भर गया था। लोगों के घर में सेक्टर 21 के लोगों के घर में पानी जा रहा था, जैसे सांडपाड़ा हाईवे से होके भी वारना सर्कल तक वहाँ से ऊपर से पानी आता है, यहाँ का भी पानी आता है। गौरतलब है कि प्रभाग 57 में ही औद्योगिक इलाका मैफको है। एपीएमसी से सटे होने के कारण यहाँ का अधिकांश क्षेत्र कमर्शियल है, जहां हर साल जल जमाव से तबाही का आलम होता है। उन्होंने कहा कि यदि सेक्टर 25 के पंप को सेक्टर 26 से जोड़ दिया जाए तो मुसीबत का हल हो सकता है। इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन आज तक इसका काम नहीं हुआ। शुभांगी ताई पाटिल ने कहा कि यदि गटर नालों को साफ कर दिया जाए और जल निकासी का पर्याप्त इंतजाम हो जाए तो यहाँ बाढ़ से छुटकारा मिल सकता है। जो अपना सेक्टर 18 का नाला और खाड़ी के बीच में जो पट्टा है वो साफ किया गया नहीं है, उसमें काफ़ी सारे ये वैसे ही पड़ी है, तो वो जब भी साफ करेंगे तो बढ़ती का पानी बैक नहीं मारेगा और पानी ये ऐसे पूजन्य परिस्थिति होगी नहीं। इसके कारण बारिश में अभी हमने देखा होगा वहाँ पे पूरे लोगों के घर में पानी गया था, लोगों को बहुत दिक्कत ही आ रही थी। हम लोगों ने महापौर साहब को, आयुक्त साहब को और अधिकारी लोग को ये मतलब निदर्शन में लाया गया था कि सेक्टर 19 का पंप हाउस जो है वो सेक्टर 26 को नज़दीक है, वो लाइंस वहाँ पे जोड़ी गई तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी, लेकिन पता नहीं अभी तक वो लाइंस अभी तक काम तो निकला हुआ है कभी, लेकिन लाइंस अभी तक जोड़ी गई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।